उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा महंत श्री किशोर दास जी महाराज का उत्तरण दिवस। वृंदावन से आए फूलों से बनाया जाएगा फूल बंगला, फूलों से सजा बाकी बिहारी मंदिर। बक्षवाह सिद्ध भूमि संतों की धरती बुंदेलखंड में अनेक ऐसे संत पूर्व में हुए और वर्तमान में हैं, जिनकी कीर्ति तपस्या और साधना न केवल देश के कोने कोने में प्रख्यात है, बल्कि देश के बाहर भी उनकी साधना और तपोबल का सम्मान बरकरार है। ऐसे ही प्रख्यात संत सागर जिले के खटोरा में जन्मे महंत किशोरदास तेजू महाराज का अवतरण दिवस तपोभूमि सिद्ध क्षेत्र पड़रिया में गर्मामय माहौल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर फूल बंगला महोत्सव का भी आयोजन होगा। रविवार की सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वृंदावन के कारीगरों द्वारा फूल बंगला का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद सुबह 6 बजे महाराज श्री का अभिषेक होगा। गौ माता का पूजन करने के बाद महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचकर मंगल आरती की जाएगी। मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध क्षेत्र पड़रिया धाम में वृंदावन के गोरेलाल कुंज के महंत श्री किशोरदास जी महाराज का अवतरण दिवस उनके शिष्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री बांके बिहारी के दर्शन एवं गुरु महाराज के दर्शन करने आने वाले धर्म प्रेमियों को यह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। साथ ही इस आयोजन में कई जगहों से आए संतों का समागम होगा। महंत किशोरदास जी महाराज श्री ने 15 वर्ष में लिया था संन्यास। उल्लेखनीय है कि सागर जिले के ग्राम खटोरा में 2 जून 1967 को जन्मे पूज्य संत श्री किशोरदास देवजू महाराज ने महज 15 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया था। श्री हरिदास परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महाराज श्री ने बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों अनुयायी हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तप साधना शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप वृंदावन स्थित श्री गोरेलाल कुंज के महंत बने।